Birju tu bitwa la la meri maa ke kangan wapas kar de e la la. ये हमारे नितिन जी हैं, सोनी जी हैं और राहुल प्रणव जी हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। इन्होंने ही गाने कंपोज किए इस गाने को। सर इस गाने पे तो सिंगिंग जो पाला पड़ा डुबल जिससे तुझको तेरी मौत दस्तक दे रही है ना टक के रेली है बहुत माँ के देने लिए तूने नमूने कमीने माने महीने भर बहा के पसीने हल चला के जब काटी फसल तब लाठी उठा के तू हिल हिल के चलते हुए आके झूठी विद्या दिखा के तूने बहुत मामू बनाया थैंक यू 27 फेब को अपने बच्चों के साथ अगर जिसके बच्चे नहीं उनके साथ भी जाओ थैंक यू उदित जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिग्नेश उदित जी अजय हनीप नुपुर नितिन सोनी मीडिया ऑडियंस थैंक यू बाय बाय मनिंदर बिरजू ने माँ के कंगन ने लाला ने कंगन है वो ये गिरवी रख लिए थे और दत्त साहब थे बिरजू वो कह रहे थे कि लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे रहे वो डायलॉग था तो वही सीक्वेंस आपने उठाया वहाँ से और वो सीक्वेंस नहीं है ये बेसिकली गाना है पूरा हिप हॉप गाना है रैप सॉन्ग है इसमें पूरा मतलब मस्ती है डायलॉग उसमें सिर्फ एक कि बिरजू तू आएगा बिटवा लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे फिल्म मैंने नहीं बनाई है फिल्म मेरे डायरेक्टर अजय ने बनाई है और मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ और हमारे डायरेक्टर यार ये आपको बताएंगे एग्जैक्ट क्या कैसे फिल्म बनाई जाती है पिक्चर बहुत जी सर नॉर्मली आपने डबल रोल क्या देखा है एक जैसी शक्ल एक जगह हाइट एक जगह वेट ये देखिए एक ये है और एक ये कहाँ से मिलते हैं ट्विस्ट तो ये सबसे बड़ा है ट्विस्ट यही है हमारा आपसे जानना चाहूँगा कि आपने गाने में अपनी डांस किया तो गाने को कैसे अप्रोच किया सर ने और आपने
मैं मास्टर जी की बहुत ही बड़ी फैन हूँ, सबसे बड़ी, एंड वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम. और जब मुझे पता चला कि ये फिल्म बन रही है तो ऑब्वियसली मास्टर जी ने मुझे एक कॉल किया कि माई तुम वो गाना करोगी. मैंने बिना सुने मैंने बोला मैं करूँगी, मतलब मुझे जैसे भी गाना देगी मैंने साथ हमेशा काम करूँगी. एंड इट्स अ मेहनत की है बहुत ज़्यादा, 7-8 दिन रिहर्सल की, फिर गाना शूट किया. मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट सॉन्ग रहा है ये, और कमाल का गाना है. एंड पूरी टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी है. सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, कोरियोग्राफर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे साथ तो ही बहुत अच्छे. तो आई थिंक होल टीम का एफर्ट बहुत इंटरेस्टिंग था और अच्छा था, और गाना कमाल आया. सारे गाने बहुत अच्छे इस फिल्म के. मैं कहूँगा माही ने रियल फ्रेंडशिप निभाई यहाँ पे. मैंने कहा माही गाना करना है, फ्रेंडली अप्रोच पे करना है, गाना करना है, तो माही ने गाना सुना भी नहीं. हाँ. और कुछ भी नहीं कहा, कोई रेमुनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम 7-8 दिन रिहर्सल किए, 6-7 दिन गाना किया, बहुत ही मेहनत किए. थैंक यू माही, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द सॉन्ग. उल्टा मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए. अमित जी ने आशीर्वाद दिया है दोस्ती ने. हाँ, अक्षय कुमार ने निभाई है, अजय देवगन ने, ऋतिक रोशन है, रणवीर सिंह है, प्रभु देवा है, ये सब ने दोस्ती निभाई. गोविंदा जी मेरे भाई है, उन्होंने निभाई है. बहुत सारे सिंगर हैं, हिमेश रेशमिया है, उदित जी ने निभाई है, फिर अली जाफर एक्टर है, सुनील निगम है, मिक्का है, सब ने बहुत प्यार किया इस फिल्म में, बहुत प्यार दिया. क्या मैसेज दे पाएगी ये सोसाइटी? मैं यही बोलूँगा, बहुत दिनों से आपने एक फैमिली इंटरटेनिंग बच्चों के लिए फिल्म नहीं देखी है, तो ये आपको देखने मिलेगी. हे ब्रो, जो 27 तारीख को रिलीज हो रही है, ये पूरी फैमिली वाली फिल्म है, बच्चों के साथ देखने वाली फिल्म है. हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की. नुपुर नए हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मनिंदर स्वामी में था, हनीफ को डेब्यू कर रहे हैं, और बाद में हमारे डायरेक्टर जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरी वाइफ डेब्यू कर रही है, इधर प्रोड्यूसर विद्याचार्य है, माही है. तो हम लोगों ने बहुत मेहनत से पिक्चर बनाई. हम लोग छोटे हैं, छोटे में बड़ा पैकेज है फिल्म का, प्लीज जाके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको. आपसे जानना चाहूँगा, पहला रिएक्शन क्या? बहुत ही अच्छा था. जब अजय जी ने मुझे बोला कि एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, तो मैंने सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. जब उन्होंने बोला जुड़वा विद ट्विस्ट, तो मैंने कहा कुछ तो अलग होगा, क्योंकि एक हैवी इंसान और एकदम पतला, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा. फिर जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, फिर उसके दौरान हमने स्टार्ट किया मूवी को. अजय जी, आपसे जानना चाहूँगा, एज अ डायरेक्टर, एक स्क्रिप्ट होती है तो जो जो कैरेक्टर आपने सोचे थे, क्या ये मतलब अगर आप जो मैं रोल बोल रहा हूँ कि एक हैवी वेट है, और एक मतलब गणेश जी के अलावा तो ये रोल तो कोई कर ही नहीं सकता है. मनिंदर बहुत अच्छा एक्टर, हनीफ ने बहुत मेहनत की, नुपुर फर्स्ट टाइम लगती रही है, माही ने हमारा साथ दिया है. आई थिंक वी हैव वी आर द विनर्स, मतलब अगर कास्टिंग वाइज हम देखा जाए. नुपुर आप डेब्यू कर रही हैं फिल्म में जी, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा? मैं कहूँगी कि गणेश सर के साथ एक तो स्क्रीन शेयर करना, प्लस बिरजू सॉन्ग आप देख चुके हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, गोविंदा जी ने कैमियो किया है, इतनी अच्छी फिल्म अगर मैंने देखी है, मैंने जो मुझे मिली है, मैं ये कहूँगी कस्टम मेड फिल्म है मेरे लिए, ये मेरे लिए बनाई गई थी, एंड इट्स अ ड्रीम डेब्यू, आई वुड से ड्रीम डेब्यू है मेरे लिए. आपसे जानना चाहूँगा, आप दोनों लोगों से, आपका एंटी है, हीरो कैरेक्टर है, इसको विलन नहीं बोला जा रहा है, तो क्या क्या मकसद है? ये तो सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट हो गई मेरे लिए, और मनिंदर को मस्त टक्कर दे रहा हूँ मैं. टोटली इज डन अ फैबुलस जॉब, और आई एम एन एंटी हीरो दैट्स बीन गिवन द मोस्ट वंडरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, स्क्रीन स्पेस एंड इंट्रोडक्शन. तो ये श्रेय मैं पूरा गणेश आचार्य और अजय चंडोक जी को दूंगा, एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल. आप पिक्चर देखिए एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई मीन ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू एन एंटी विलन. ये बहुत रेयर होता है कि एक एंटी हीरो को इतना बड़ा गाना मिले, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मिले. And I'm doing everything that Maninder is doing. Matlab combination, it's not combination, but the beauty is that I'm getting swimming shots. Matlab main bare chest dikha raha hu, main fight kar raha hu. Hamara jo action hai, quite honestly, Maninder aur mera at the end, it's mind blowing. It's a complete rain sequence, and I'm really excited to see the final climax of it. बस जी, अब मैंने पहले मास्टर जी ने बताया, स्वामी में उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था, तो वो 8 फिल्म थी, उसमें बड़ा सिंपल सा बेटे का रोल किया था मैंने. लेकिन आज वापस गणेश जी ने मुझे ऐसा चांस दिया कि मैं एक मेन स्ट्रीम हीरो का रोल कर रहा हूँ, जिसमें जो मैं हमेशा से करना चाहता था, चाहे वो एक्शन हो, रोमांस हो, डांस हो, तो एक प्रॉपर हीरो वाला जो एक जो कैरेक्टर होता है वो मिला है, जो शिव का कैरेक्टर है. और उसके अलावा यू नो, मेरी आप इंट्रोडक्शन सीन देखिए, जितना एक्शन के साथ किया अब्बास अली मोगल जो एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने इतना खूबसूरती से वो पिक्चराइज किया हमारा एक्शन, हनीफ हो मेरा क्लाइमेक्स वाला, राहुल संजीव कोरियोग्राफर से, आप गाने देखिए हमारे,
तो फुल एंड फुल ऑन मतलब एक एंटरटेनमेंट फिल्म का पार्ट होना और उसमें एज अ हीरो प्ले करना गणेश जी के साथ इतने अच्छे को स्टार्स के साथ माही के साथ, सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टोटली। हाँ जी जी वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी खूबसूरत हीरोइन है और फिल्म में तो मैं थोड़ा सड़ा सा कैरेक्टर है मेरा, तो ये बेचारी मेरे पीछे पड़ी है, मैं भाव नहीं दे रहा हूँ। रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे डायरेक्टर ने कहा कि नहीं तुम्हें भाव खाना है पूरी फिल्म में, लास्ट में हाँ बोलना है, तो वही हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एंटी हीरो प्ले कर रहा हूँ, अफसोस इस बात का है कि नुपुर के साथ रोमांस करने में नहीं, एक्चुअली ये उल्टा हो रहा है मूवी के अंदर, ये मुझे भाव नहीं दे रहे, मैं पीछे पड़ी हुई हूँ इनके, मैं इनको मनाने में लगी हुई हूँ लेकिन ये मान नहीं रहे। और जो गोपी है, जो कैरेक्टर है गणेश आचार्य का, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं कि भाई इसको बता रहे हैं कि भाई रोमांस होता है जिंदगी में कुछ, असली जिंदगी में शायद इनका थोड़ा डिफरेंट हो, ट्विस्ट हो, बट मूवी के अंदर तो बहुत सड़ू कैरेक्टर है इनका। थैंक यू।